हाय, सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा फेमस एक्सपेरिमेंट केल्विन्स मेथड। और हम फॉलो करेंगे जो नया हमारा प्रैक्टिकल नोटबुक या हैंडबुक आया है महाराष्ट्र बोर्ड का। बट अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं भी हैं तो भी फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता है। बट कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं इसको लेकर के, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे और कुछ वाइवा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है वो ये है, हमारे पास एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसको हम व्हीटस्टोन्स ब्रिज कहते हैं, जिसको एक नेटवर्क कहते हैं यूजुअली रेजिस्टर्स का, जो ऐसा आपने देखा होगा बुक्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारे पास चार रेजिस्टर्स रहते हैं, R1, R2, R3, R4, और समझो तीन आपको पता है, ठीक है। R1, R2, R3 गिवन है, तो यू कैन ईजिली फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। बट समझो, अब फिजिक्स में हर एक चीज़ के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। समझो आप, अब डिज़ायर है आपको गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की, तो अगर आप स्पेसिफिकली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तब हम व्हीटस्टोन्स ब्रिज को ही बोल देते हैं मीटर ब्रिज, ओके। और वो मेथड जिसने दिया था उसका नाम है साइंटिस्ट केल्विन, ओके, एंड इस वजह से इसको हम केल्विन्स ब्रिज भी, केल्विन्स मीटर ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर एम क्या हो जाता है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये जो सर्किट है, ये असल में जो यहाँ पर मैंने बनाया है, थोड़ा सा छोटा बन गया है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैंडबुक में भी बढ़िया गिवन है। सो ये सब वही है जो यहाँ पर आपको ब्रिज में नज़र आ रहा है। तो जैसे कि ये एक L है, ओके, देख रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर एक L है, ये एक स्ट्रेट लाइन मेटल की, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन, यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन। आइए कनेक्शन समझते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में, देखो यहाँ से एक वायर गई यहाँ पर दिस वन, यहाँ से एक वायर गई यहाँ पर दिस वन, सो गैल्वेनोमीटर कनेक्शन हो गया। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर आपको ऐसा सिंबल आ जाए इसका मतलब होता है वेरिएबल। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक वेरिएबल है, हम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं वैल्यूज़ को निकाल करके। सो ये कहाँ लगेगा, दूसरी गैप में लगेगा, सो ये हो गई दूसरी गैप। इस गैप को कहते हैं हम लेफ्ट गैप, इस गैप को कहते हैं हम राइट गैप। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से एक रियोस्टेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक रियोस्टेट के वेरिएबल में जा रहा है। तो देखिए यहाँ से रियोस्टेट के वेरिएबल में एक गया है, ओके, यहाँ से देखिए इसको वेरिएबल कहते हैं। अगर आप रियोस्टेट देखें तो तीन टर्मिनल हैं, जिसमें से जो साथ में रहते हैं वो सेम रहते हैं, सेम मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी के, बट वेरिएबल कौन सा रहता है जो अलग रहे। तो देखिए इस तरफ कुछ भी नहीं है और इस तरफ एक चीज़ है, सो दिस इज़ अवर वेरिएबल आर्म। ध्यान रखें कि आप इसको टाइट कनेक्ट करें, नहीं तो वो लूज कॉन्टेक्ट हो जाता है। यहाँ से जा रही है की को एक वायर, तो देखिए रियोस्टेट के लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये की के यहाँ से वायर जा रही है हमारे बैटरी के नेगेटिव में, छोटी लाइन मतलब नेगेटिव, ये हो गया छोटी लाइन नेगेटिव। एंड पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है इस आर्म पर, तो देखिए मीटर ब्रिज के इस आर्म पर हमारा पॉजिटिव है। सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस पॉइंट, ओके, बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके। सो समझो ये है मेरा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहाँ से समझो मैंने रेजिस्टेंस निकाला है 50 ओम्स का, और यहाँ से भी समझो रेजिस्टेंस निकाला है 50 ओम्स। समझो इसका यहाँ से निकाल नहीं सकता हूँ, माय बैड, समझो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम्स, और समझो यहाँ से भी मैंने 50 निकाला, तो क्या हो जाएगा, लेंथ सेम आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वजन का आटा, अगर यहाँ भी 500 ग्राम है यहाँ भी 500 ग्राम है तो वजन वो बीच में ही आएगा ना, तो उस तरीके से वो लेंथ भी कहाँ पर आएगी, 50 पे आएगी। तो बेसिकली अगर मेरा जो आंसर है वो जीरो के आसपास आ रहा है तो उसको हम कहते हैं नल पॉइंट, ओके, नल पॉइंट मतलब जीरो पे डिफ्लेक्शन कहाँ आना चाहिए, जीरो पे डिफ्लेक्शन आना चाहिए। बैलेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, मैं रियोस्टेट से मेरा जो पॉइंट है उसको कहीं आगे पीछे रख दूंगा, समझो मैंने उसको 15 पे रख दिया जो अभी करेंगे हम, ठीक है, 15 पे रख दिया, अब मैं इसको जॉकी को टैप करूँगा, तो यहाँ करूँगा तो 15 के इस तरफ जाएगा, यहाँ करूँगा तो यहाँ टैप करूँगा तो 15 के इस तरफ आएगा। तो ऐसी पॉइंट जिस पे मुझे डिफ्लेक्शन वहीं पर आए, मतलब वो जो 15 जो मेरी बैलेंस वहीं पर हो रहा है उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट। आगे हम इसको करके देखते हैं, आपको समझ जाएगा। सो सबसे पहले फिजिक्स के वे में बताऊँ तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे करना है। अब यहाँ से आप रैंडमली नहीं निकालें कुछ भी वैल्यूज़, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगता है। एंड आइडियल फिजिक्स के हिसाब से क्या था एक्सपेरिमेंट, आइडियल फिजिक्स के हिसाब से था कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, तो आपको रैंडम कुछ भी वैल्यूज निकाल के पॉइंट निकालनी है, ओके। बट क्योंकि सब कुछ डेवलप्ड है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, बट इनऑफिशियली अनऑफिशियली आप इसको इसका रेजिस्टेंस पहले से ही फाइंड कर दें,
ओके सो यहाँ पर अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें तो ये है कुछ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ डिफ्लेक्शन चेंजेस है. ओके सो हाँ, वो होता रहता है फ्लक्चुएट. सो दिस इज 55 ओम्स अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, सो 55 ओम्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस. मुझे पता चल गया जो एक्सपेरिमेंट का एम था हमारा, वो मैंने चीटिंग करके फाइंड कर दिया कितना है, 55 ओम्स. अब अकॉर्डिंगली इसको हमें एडजस्ट करना है. तो जैसे कि अभी मुझे पता है ना कि ये 55 ओम्स पे है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रीडिंग लेता हूँ 35 ओम्स की, यानी कि यहाँ से 35 निकालूंगा. तो समझो ये 55 है, ये 35 है. सेकेंड में क्या करता हूँ, इसको भी 55 निकालता हूँ, तो जैसे कि दोनों सेम आए. एंड थर्ड रीडिंग में लूँगा समझो 65 के लिए. ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं सिंपली. ओके कनेक्शंस तो मैं डिटेल में बता चुका हूँ. ओके सो जस्ट अब हम एक ही रीडिंग लेंगे, बिकॉज आंसर्स तो सेम ही आएंगे, क्योंकि फिजिक्स है वो तो जस्ट एरर को निग्लेक्ट करने के लिए हम चीज़ें तीन बार करते हैं, नथिंग एल्स. ओके सो जस्ट ऑन द सर्किट. ओके ऑन है सब. ओके सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यूज़ पीछे हैं काफ़ी. और हमेशा याद रखना, जब भी आप सर्किट ऑन करें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली हुई हो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है. एक मतलब कंपोनेंट्स के लिए सही नहीं है. अब यहाँ से रियोस्टेट बैलेंस करके मैं जो बैलेंस पॉइंट है उसको कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ. ओके सो मैं अपने हिसाब से कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है. सो समझो मैंने यहाँ पर उसको सेट किया है. ठीक है, कहाँ पर सेट कर दिया है, सो समझो मैंने इसको 20 पे अप्रॉक्सीमेटली समझिए सेट किया है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. सो अब भी यहाँ से रेजिस्टेंस निकला हुआ है समझो 70 ओम्स. ओके 72 ओम्स, 50 70 72, बट ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर 65 पे रखना पड़ेगा. तो चलो हम कोई और रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से. ओके समझो मैं डायरेक्टली वही निकालता हूँ, 55 ओम्स यहाँ से निकालता हूँ. ओके सो अभी 50 और 5, 55 ओम्स मैंने यहाँ से निकाला है. और यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है 23 ओम्स. तो अब जस्ट मुझे टैप करना है यहाँ पर, पहले लेफ्ट साइड टैप करके देखता हूँ. तो देखो एकदम सब लेफ्ट में जा रहा है. उप्स, फिर सब राइट साइड टैप करके देखता हूँ, तो देखो सब बाहर जा रहा है एकदम नीचे करके. सो अभी जस्ट मुझे बैलेंस पॉइंट ढूंढनी है जिसमें मुझे वापस वैल्यू 25 ही मिले. सो टैप करते जाते हैं. ओके देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कम हिल रहा है गैल्वेनोमीटर मेरा. ओके कम हिल रहा है काफ़ी. एंड देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी नहीं हिल रहा है. एंड ये रीडिंग है हमारी 51 सेंटीमीटर. ये रीडिंग कितनी है मेरी, 51 सेंटीमीटर. तो आइए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा जितना रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है, जो कि है 55 मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ कितनी आई, ये लेंथ आई 51. अगर ये 51 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 49. अगर इन्हीं को मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 55 मल्टीप्लाइड बाई 51 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 51 डिवाइड बाई 49 विच इज़ 57.2 ओम्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली विद इन एरर्स बहुत ज़्यादा हद तक करेक्ट है. सो यहाँ पर मैं तीन रीडिंग नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ही प्रोसीड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है. सो ये रेजिस्टेंस भी अगर आप देखें, मैंने फाइंड किया था 55 के आसपास आया था. तो एक्सपेरिमेंटली, नॉट एक्सपेरिमेंटली, बाय मल्टीमीटर 55 के अक्रॉस आ रहा है, और रिजल्ट के थ्रू हमारा बाय कैलकुलेशन 57 के अक्रॉस आ रहा है. सो दिस इज़ करेक्ट. एंड अभी यहाँ पर आगे इन्होंने क्या फॉर्मेलिटीज़ की हैं, आइए उस पर ध्यान देते हैं. सो यहाँ बोला है रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, रेजिस्टेंस इन द राइट गैप. तो राइट गैप मतलब अब आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करें, रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर में इस गैप में कनेक्ट करें, और इसको इस गैप में कनेक्ट करें. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी. समझ रहे हैं आप, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ देखो पहले ही तीन बार कहा है यहाँ पर करने के लिए. ओके एक बार में भी आंसर आ गया ना, एक बार में भी आंसर आ सकता है, बट एरर हमें निग्लेक्ट करना रहता है. तो तीन बार आप यहाँ पर करें, तीन चार बार यहाँ पर करें, तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर बैलेंस पॉइंट क्या होती है, सो बैलेंस पॉइंट जस्ट वही पॉइंट होती है जहाँ पर, ऐसी पॉइंट जिसमें करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर मेरा जीरो हो जाए, राइट सब कुछ हमारा बैलेंस हो जाए, तो उसी को कहते हैं बैलेंस पॉइंट. जहाँ पर डिफ्लेक्शन भी सेम आए, सेम डिफ्लेक्शन आए. ओके नल डिफ्लेक्शन नहीं, कौन सा डिफ्लेक्शन, सेम डिफ्लेक्शन. वॉट विल हैपन इफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, तो नथिंग न्यू विल हैपन. ठीक है, कुछ भी नया नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है. तो समझो ये है मेरी आर्म्स ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर मेरे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. अभी यहाँ पर बी डी आर्म में देखो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. तो इमेजिन करो मैंने बी डी आर्म में सेल लगा दिया,
देख रहे हो बी और डी आम में मैंने क्या लगा दिया, मैंने एक सेल लगा दिया, और ए और सी आम में मेरी क्या कनेक्टेड है, मेरा सेल कनेक्टेड है, तो देखो मैंने ए और सी आम में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो मैंने इसको कर दिया इंटरचेंज, बरोबर यही तो कहा था इन्होंने। सो सिंपली अब यहाँ पर क्या होगा, इसको ही रीअरेंज करूँ, मतलब इसी फॉर्म में रखूँ, सीधे वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ए सी मुझे नीचे बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए सी, बी डी के अक्रॉस मेरा सेल है, तो बी डी के अक्रॉस सेल ऐसा नहीं बना कि मैंने ऐसा बनाया। सो वापस अगर आप फॉर्मूला लिखो तो मुझे यहाँ से आर वन बाई आर फोर इज आर टू बाई आर थ्री, यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से मिला था आर वन बाई आर टू इज आर फोर बाई आर थ्री, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी मिलेगा आर वन आर थ्री साथ में, यहाँ से भी करोगे तो मिलेगा आर वन आर थ्री साथ में, आर टू आर फोर साथ में, तो देखो सब कुछ सेम ही आया। सो कुछ भी फ़र्क यहाँ से भी नहीं पड़ेगा, ओके, सो नथिंग विल हैपन। एंड अगर शंट गैल्वेनोमीटर में कह रहे हैं तो अगर शंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक और रेजिस्टर ऐड हो जाएगा, थोड़ा करंट यहाँ से भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट, नथिंग एल्स, बस इसमें आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, मेटल कॉन्टेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि हर जगह पर सही से कनेक्टेड है, बिकॉज अगर एक भी वायर खुली छोड़ गई तो सर्किट हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। पहले से ही रेजिस्टेंस बॉक्स डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करके गैल्वेनोमीटर की वैल्यू फाइंड करें, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू निकालें तो ही कुछ होगा, अदरवाइज फिर आप रैंडम करते रहेंगे एंड आपको होगा सर आंसर नहीं आता है ऐसा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। हिंट यही थी, आपको आगे से पीछे नहीं जाना है, आपको पीछे से आगे आना है, आपको ऐसे नहीं सोचना है चलो आज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, नहीं, आपको मल्टीमीटर से फाइंड करना है, फिर फिजिक्स लगानी है रेजिस्टेंस बॉक्स की रेंज वेरी करके। सो ये सब चीज़ें तो कवर कर चुका हूँ मैं, इसके बाद ही मैंने अपने एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था विथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 45 ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस 45 ओम्स, सो उसने सारी रीडिंग्स यहाँ पर निकाली है, तो यही रीडिंग्स मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दे दूंगा। सो ये हैं उसकी करस्पॉन्डिंग रीडिंग्स, एंड यहाँ से उसका कुछ ऐसा आंसर आया है, एंड मीन उसका आया है कुछ ऐसा, ओके। सो आइए देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। सो यहाँ पर ये हमारी फॉर्मूला है, लॉग बुक कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, जिनको आता है सो वीडियो यहीं पर छोड़ दें। सो कैसे यहाँ पर लॉग लगेगा, सो यहाँ पर लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ आर प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ एल जी माइनस लॉग ऑफ एल आर, तो जस्ट इसको ही नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ए, इसको नाम दिया गया है बी, इसको नाम दिया गया है सी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस सी जो कि कुछ न्यू क्वांटिटी होगी डी, एंड फाइनली उस डी का क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी एंटी लॉग लग जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हर जगह लगता है मैथमेटिकली, बट हम डील इससे ही करेंगे, तो यहाँ पर मुझे जी इज इक्वल टू डी वैल्यू मिल जाएगी। सो आइए देखते हैं, देखिए वही है ए बी सी डी, सो 40 का लॉग क्या हो जाएगा, सो टू डिजिट नंबर है तो लॉग वन पॉइंट में आएगा, सो 40 का लॉग हो जाएगा 6021, यहाँ पर आ जाएगा 6021। 53 का लॉग क्या आ जाएगा, टू डिजिट नंबर है, सो 7243, यहाँ पर हो जाएगा 1.7243। जिनको नहीं आता है लॉग टेबल से लॉग कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी 2 साल पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। 47 का लॉग 6721, सो 1.6721। सो 3+1 यहाँ पर ऐड करना है, 3+1 4, 4 2 6, 2 7 13, यहाँ पर आ जाएगा 3.3264, ठीक है। 4-1 3, 6-2 4, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड 7 5, फिर से कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। सो 65 का 4-3 मुझे इसका फाइंड करना है एंटी लॉग, ओके। इन्होंने ऐसा कुछ लॉजिक लगाया है, मैंने इधर सी प्लस डी लिया था, आप कैसे भी लो जस्ट कॉन्स्टेंट्स हैं। 65 का 4-3, सो 65 का 4 है 4508 एंड 3 प्लस करना पड़ेगा, सो 4511 यानी कि 4.511 और यहाँ पर जो रहता है वो 10 के पावर में यानी कि 45.11 ओम्स। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा एक्यूरेसी हार्डली जिंदगी में देखने को मिलता है, क्योंकि इसको ह्यूमन एरर एकदम निग्लेक्ट हो गया है इस कैलकुलेशंस में। तो दैट्स इट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। महाराष्ट्र बोर्ड की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्रैक्टिकल्स की भी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा।